हेलो वृश्चिक राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा होगा, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, एंड आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए, और आपके पार्टनर का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा, और जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है क्या उनका रिकन्सिलेशन होगा। एंड लास्ट में हम देखेंगे डिवाइन गाइडेंस कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आपकी इस लव लाइफ के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। स्टार्ट करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा होगा 1 से 15 अक्टूबर तक, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा होगा। ओके, आपके पार्टनर और आपके बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ अनबन अभी इस वक्त चालू है, मीन्स सितंबर में ही, और उसकी वजह से आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उन्हें मनाएं, आप सॉरी बोले, आपको समझ आना चाहिए कि आपने गलती की है। सो 15 अक्टूबर तक, 1 से 15 अक्टूबर तक मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर थोड़ा आपसे नाराज़ रहने वाले हैं। हो सकता है आपके क्लोज वंस आपको मनाने की कोशिश करें, आपके पार्टनर को समझाने की कोशिश करें, इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करें, लेकिन ये रिश्ता बहुत अच्छा तो होता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे। प्यार आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बराबर है, लेकिन यहाँ आपके पार्टनर को आपकी कोई बात इतनी बुरी लग गई है कि वो अभी कुछ सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप कभी भी उनको नहीं समझते हो। हो सकता है आपके पार्टनर ये बात आपसे कहे इन 15 दिनों में कि मैं कितना भी कर लूँ लेकिन तुम्हें मुझ में कुछ अच्छा नहीं दिखेगा, या कितना भी कर लूँ तुम मुझे अप्रिशिएट नहीं करने वाले हो। सो यहाँ पर वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। एंड कम्युनिटी कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है कि आपकी सराउंडिंग, आपके क्लोज वंस, मतलब कोई अच्छी गेट टुगेदर कर सकते हैं जिसमें आप दोनों मिलोगे, लेकिन मतलब चाहोगे आप दोनों बात करना लेकिन बात नहीं कर पाओगे। स्ट्रॉन्ग वार्निंग यहाँ पर ये दिखा रही है कि यस, इस बार दिल टूटा है आपका, आपका दिल, आपका नहीं वृश्चिक राशि, आपके पार्टनर का दिल टूटा है और वो नाराज़ होकर बैठे हैं। उनको पता है कि वो बात करेंगे तो आप फिर से एक हो जाओगे, लेकिन इस बार वो चाहते हैं कि आप उन्हें मनाओ, आप उनसे बात करो। एंड अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यस, आपको मनाना चाहिए, आपकी गलती है, तो आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो मूव ऑन कर चुके हैं, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप भी चाहते हो तो आप शुरुआत कर सकते हो। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे, आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे। ओके, देखिए आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि तुम्हें मेरे जैसा इंसान नहीं मिल सकता या नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाता हूँ इस प्यार के लिए, और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ और तुम भी मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। हमारे बीच में चाहे रिलीजियस फैक्टर हो, चाहे हमारे बीच में बहुत सारे डिफरेंसेज हो, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। और यहाँ पर मैं ये एनर्जी भी देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर इस बार एफर्ट्स नहीं लगाने वाले हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं ऑलरेडी बहुत एफर्ट लगा चुकी या लगा चुका, अगर अब भी मुझे एफर्ट्स लगाने हैं तो फिर सेपरेट होना ही ठीक है। बहुत ज़्यादा किसी रिश्ते के लिए मेहनत नहीं करनी है उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा लगता है कि वो वैल्यू, वो प्यार जो वो डिज़र्व करते हैं वो उनको नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ आपके पार्टनर आपसे एक बार ज़रूर कोशिश करके इन 15 दिनों में कह सकते हैं, या फिर किसी के थ्रू कहलवा सकते हैं, या फिर अपनी बातों में ये कह सकते हैं कि भाई मैंने बहुत कुछ किया इस रिश्ते के लिए, अब नहीं कर सकता, या अब नहीं मुझसे हो सकता। ठीक है, तो अगर सच में आपके मन में है, आपके मन में भी प्यार है आपके पार्टनर के लिए, तो आपको थोड़ा सा अपने पार्टनर के बारे में सोचना चाहिए। एंड जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, उसको क्लियर करके अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखते हैं क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। ठीक है, आप जिस भी पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हो वृश्चिक राशि, क्या आपको उनका इंतज़ार करना चाहिए उस रिश्ते में या फिर आपको मूव ऑन करना चाहिए। ओके, वृश्चिक राशि में देख पा रही हूँ कि बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ सेम मैसेज नहीं हो सकते, बहुत से जो भी स्कॉर्पियो यहाँ पर देख रहे हैं वो यहाँ से इस रिश्ते से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दरार थोड़ी सी गहरी है। अब आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं और आप भी इस रिश्ते में कोई मेहनत नहीं करना चाहते हो, आपको भी ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया। वो एक अफेक्शन, वो एक केमिस्ट्री अट्रैक्शन, उसकी कमी कहीं ना कहीं यहाँ पर है। देखिए, यहाँ पे भी सेपरेशन कार्ड आया था तो वो यही दिखा रहा था कि अगर अब चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हुई तो हमें यहाँ से बाहर निकलना है, और ये कार्ड्स भी यही दिखा रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोग, मतलब मैं ये कहूँगी 95% लोग मूव ऑन करते हुए नज़र आएंगे इन 15 दिनों में, क्योंकि अब वो किसी रिश्ते में जब तक वो केमिस्ट्री नहीं होती है ना तब तक मज़ा नहीं आता, तो वो केमिस्ट्री मिसिंग हो चुकी है आपके इस रिश्ते में, तो हो सकता है कि आप आगे बढ़ेंगे। और कार्ड से हम देख लेते हैं कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। देखिए, फ्यूचर में भी आप आगे बढ़ के और आगे बढ़ रहे हो एंड किसी और पर्सन के साथ कनेक्ट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, और जब तक आप इस रिश्ते से नहीं निकलोगे ना, आप और आपके पार्टनर, आप लोगों को कोई नया रास्ता नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आगे बहुत कुछ अच्छा है आप लोगों के लिए। दो लोगों में अगर वो सिचुएशन नहीं बन रही है, अगर आप दोनों में नहीं जम रही है, तो पता है वहाँ से मूव ऑन करना ही अच्छा है, फालतू एक ही एक नेगेटिव एनर्जी में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर यूनिवर्स भी आपको यही कह रहा है कि वहाँ से बाहर निकलोगे, आपको दूसरा बहुत अच्छा प्यार, बहुत अच्छा रिश्ता, आपकी वैल्यू करने वाला, आपकी वर्थ समझने वाला, वो आपको मिलने वाला है। देखते हैं आपके पार्टनर का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पार्टनर। स्कॉर्पियो, नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पार्टनर, एट ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, डबल सेवन की एनर्जी, ओ गॉड। ओके, आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि आप में बहुत ज़्यादा ईगो और एटीट्यूड है, बहुत ही ज़्यादा, सो वो यहाँ से जा रहे हैं अब, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने हर छोटी छोटी बात आपकी मानी थी, हर बार आपको मनाने की कोशिश की थी, उन्हीं की वजह से ये रिश्ता चल रहा था, क्योंकि वो एफर्ट्स लगा रहे थे, वो रिश्ते को ठीक कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे कि यार ख़राब ना हो, हर बार उन्होंने रिश्ते को बचाने की कोशिश की। डबल सेवन की एनर्जी भी यहाँ पर है, मतलब लोगों से भी आपको बचाया होगा, उन्होंने इस रिश्ते में बहुत अपना इमोशंस दिए हैं, दिल से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की है, और फिर भी उनको धोखा मिला है, सो उनको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे कोई एक्शन नहीं लेना है, वो यहाँ से चुपचाप, गुस्से से चुपचाप तो नहीं, बहुत ज़्यादा आपको सुनाकर, हीट आर्ग्यूमेंट करके, और वो यहाँ से बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं, वो इस रिश्ते में अब नहीं रहना चाहेंगे, क्योंकि एंडिंग का कार्ड आ गया है, 10 ऑफ सॉर्ड, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ बहुत बड़ी चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है, आपने उनकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं की और उनका बहुत बुरी तरह से दिल तोड़ा है, सो वो यहाँ से बाहर निकलेंगे, 100% यहाँ से बाहर निकलेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, क्या उनका रिकंसिलेशन होगा। जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है स्कॉर्पियो, क्या उनका रिकंसिलेशन होगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाले जो भी अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो यस, उनका रिकंसिलेशन होगा, दोनों एक दूसरे से मिल पाएंगे इन 15 दिनों में, और जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होती हुई तो नहीं दिख रही है, लेकिन यस, आप दोनों की बातचीत जरूर शुरू हो जाएगी वापस। ठीक है, लास्ट पे हम देख लेते हैं डिवाइन गाइडेंस। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, तुला स्कॉर्पियो सॉरी वृश्चिक राशि, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है।
ओके पता है वृश्चिक राशि डिवाइन आपको सबसे पहले तो एक मैसेज देना चाहते हैं कि थोड़ा सा अपने रूट से जुड़ो। बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड इंसान की ज़िंदगी को ख़राब कर देता है, उसके दिमाग को ख़राब कर देता है, उसमें एक नशा सा हो जाता है कि यार मेरी लाइफ में तो सब है, क्या फ़र्क पड़ता है, दोस्त है, पैसा है, सब कुछ है, मतलब चाहे हो चाहे नहीं हो, लेकिन उनको एक अलग ही ईगो अपने ऊपर होता है और उसकी वजह से वो धीरे धीरे अपनी हर चीज़ को खोने लगते हैं और फिर उसके बाद उन्हें खुद को भी प्रॉब्लम होने लगती है। पता है उनको ऐसा लगता है कि वो उनको फियर होने लगता है कि लोग उनसे छूट ना जाए, फिर उनके बाद जब उनका ईगो को ठेस पहुंचती है ना तो उनको तकलीफ़ होने लगती है, वो थोड़ा सा स्ट्रेस में आने लगते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपने रूट से जुड़ो, ग्राउंडेड बनो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने दिल में अगर कोई भी है ना, अगर अच्छा है तो अच्छा करो लोगों के लिए, अगर आपको नहीं जमता किसी के साथ तो वो रिश्ता मत रखो, लेकिन किसी के साथ गलत व्यवहार मत करो, गलत बोलो मत, किसी को धोखा मत दो, चीट मत करो, ठीक है। चूज़ योर पाथ, आपका सही डायरेक्शन आपको चूज़ करना आना चाहिए, किसी को धोखे में मत रखो। अगर आप नहीं रहना चाहते आप मत रहो, आप वहाँ से निकल जाओ। आपका डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए, राइट। सी फ्रॉम अ हायर परस्पेक्टिव, एक मतलब फ्यूचर की सोच कर आप चीज़ों को करो, ऐसा नहीं कि आज जो चल रहा है वो चल रहा है। मन मोजी जैसी आपकी मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है यहाँ पे, इमेच्योर एनर्जी नज़र आ रही है जो न तो सही डिसीजन वाली है न सही डायरेक्शन वाली है और बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड भी है। आप किसी की सुनना समझना नहीं चाहते हो, आप किसी की गाइडेंस लेना नहीं चाहते हो, ऐसा लग रहा है कि आपको जो ठीक लग रहा है सिर्फ आप करते जा रहे हो। सो इट्स टोटली रॉन्ग, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। यहाँ पे कहा जा रहा है विंटर तक चीज़ें ठीक होने के चांसेस बनेंगे, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए खुद को ठीक करना पड़ेगा, अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा, अपने चक्रास को बैलेंस करना पड़ेगा, अपनी सही डायरेक्शन आपको समझनी पड़ेगी, सही गाइडेंस लो। मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि जिसको भी आप मानते हो, आपके कोई गुरु हो सकते हैं, फादर फिगर हो सकते हैं, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको सही एडवाइस दे, और अगर कोई नहीं है तो आप टैरो गाइडेंस ले सकते हैं, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, सो वो किसी से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक प्रॉपर आपको डायरेक्शन मिलेगी, आपको एक हायर परस्पेक्टिव मिलेगा, आपको पता चलेगा कि यार मेरा फ्यूचर किस में है, मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो जब वो क्लैरिटी आ जाएगी तो आप देखोगे कि धीरे धीरे लाइफ बहुत ही ईजी और स्मूथ हो गई है और थोड़ा सा जो आपका ईगो एटीट्यूड है ना वो भी कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी हीलिंग करो, लोगों की हेल्प करना स्टार्ट करो, लोगों को धोखा देना बंद करो, धीरे धीरे आपका नेचर अपने आप ही बदलने लगेगा। तो वृश्चिक राशि, ये थी आपकी रीडिंग आने वाले 15 दिन के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।